हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करके कि हमने बनाया हुआ एक क्लाइंट का गेम फाइनली लॉन्च हो चुका है। टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा ये एक 3D गेम है। तो काफ़ी सारे लोगों को मुझसे शिकायत है कि सर आप 3D गेम्स क्यों नहीं बनाते हैं, निखिल आप 3D गेम्स क्यों नहीं बनाते। सो वो सभी लोग जो लोग बोलते हैं कि 3D गेम्स नहीं बनाते, 3D गेम्स नहीं बनाते, ये रहा एक 3D गेम जो हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला वो गेम के बारे में जिसका नाम है स्लाइड इन। हम लोग ने ये गेम के ऊपर काफ़ी टाइम से काम किया है एंड ये गेम की जो आइडिया है वो एलिवेज गेमिंग की है। एलिवेज गेमिंग एक कंपनी है हैदराबाद के अंदर, जिसके फाउंडिंग टीम के अंदर शरद बेलगंती, नरेश गेले और राघवेंद्र है। तो फिर ये लोग जो तीन लोग की जो टीम है ये बेसिकली फ्रेंड्स है एक्चुअली, और इनका एक ये अलग अलग फील्ड से है पर इनका एक कॉमन गोल था कि इनको गेमिंग के अंदर आना है। एंड जब उनको ये आइडिया आई तो उन्होंने मेरी कंपनी को अप्रोच किया। मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देख के शरद ने एक्चुअली अप्रोच किया था, और वो लोग रहते हैदराबाद में, तो हैदराबाद से वो लोग मुंबई आए स्पेशली ये गेम की आइडिया डिस्कस करने के लिए। और राइट अवे गेम की आइडिया मैंने जैसे ही सुनी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे लगा कि मोस्ट डेफिनेटली हमें ऐसे टाइप का गेम बनाना चाहिए। गेम की आइडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये गेम एक लेवल बेस्ड गेम है, लेवल बेस्ड रनर। इसके अंदर नॉर्मली बाकी सारे गेम्स के अंदर आप कैसे करते हो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, स्वाइप लेफ्ट करोगे तो कैरेक्टर लेफ्ट में जाए, स्वाइप अप करोगे तो कैरेक्टर जंप करेगा और वो सारी चीज। बट इस गेम के अंदर आप एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों मैं एक वीडियो चला देता हूँ इस गेम का, यहाँ पे आप देख सकते हो इस गेम का जो गेम प्ले है जितना ईजी दिखता है यहाँ पे उतना ईजी नहीं है। ये गेम एक्चुअली रिकॉर्डिंग जो है वो शरद ने की है, और शरद अभी इस गेम के अंदर मास्टर हो गया है। बट आप जो है 7-8 लेवल्स इजीली कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद आपकी बैंड बजना स्टार्ट हो जाएगी। सो मेरा चैलेंज है कि आप इस गेम को के अंदर हमने लॉन्च वर्जन में 40 लेवल्स बना के डाले हैं, तो 40 के 40 लेवल्स आप कंप्लीट करके मुझे वो मेन मेन्यू का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो फिर यार मजा आ जाएगा, क्योंकि 40 लेवल कंप्लीट करते हुए मेरी भी हवा टाइट हो गई है। मैंने खुद ने 40 लेवल कंप्लीट नहीं किए हैं, शरद जो है एलिवेज गेमिंग के साइड से उन्होंने पूरा का पूरा गेम टेस्ट किया है और वो अभी मास्टर बन गए, उन्होंने सारे 40 लेवल कंप्लीट किया है। सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एक चैलेंज है, 40 लेवल कंप्लीट करके बताओ इस गेम के अंदर, तो मैं मानूं। और दोस्तों इस गेम का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शरद हमारे पास आए थे लास्ट ईयर अगस्त में, अगस्त 2019 में मुंबई में डिस्कशन हुआ था, उसके बाद हम लोग ने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। बट सर्टन लेवल पे हम लोग हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो हमेशा बनाए रखना चाहते थे, इसी वजह से सर्टन रोड ब्लॉक्स हम लोग को आए। इनिशियली हम लोग ने प्लान किया था कि ये गेम 3 महीने के अंदर डेवलप होके फिनिश हो जाएगा, बट कुछ अनफोर्सिन इश्यूज की वजह से, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये गेम थोड़ा सा डिले हो गया। बट फाइनली जब गेम लॉन्च हुआ हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस गेम के डेवलपमेंट के दौरान हम लोग शरद एंड टीम को सिर्फ 2 बार मिले थे, एक बार मुंबई में और दूसरी बार IGDC में जब मैं गया था हैदराबाद। तो ऑब्वियसली शरद, नरेश और राघव हैदराबाद में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको मिलना तो बनता ही था, तो हैदराबाद में हम लोग सेकेंड टाइम मिले। और उसके बाद अभी सिंस ये गेम कंप्लीट हो गया है हम लोग प्लान कर रहे हैं फिर से मिलने का, और वहाँ पे नई गेम की एक आइडिया, एंड हमारे हिसाब से हमने इस गेम को बहुत ही प्यार से बनाया है। अभी वाला जो वर्जन है उसके अंदर हम लोग ने सारे के सारे 40 लेवल बना के डाले हैं। ये वर्जन हम लोग ट्रैक करने वाले, स्टडी करने वाले कि लोग इसको कैसे खेलते हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह गई है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने इंटरनली इसकी टेस्टिंग की थी बट रियल यूजर्स जो है वो अभी आना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, स्लाइड इन इस गेम का नाम है प्ले स्टोर के ऊपर, आप जाइए इस गेम को डाउनलोड कीजिए, फ्रीली अवेलेबल है, और अपना फीडबैक दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गेम कैसे लगता है। और मैं कुछ लेवल्स के जो गेम प्ले है मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हो जितना ईजी दिख रहा है उतना बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको गेम को खेलते रहना पड़ेगा। इस गेम का जो मैकेनिक है वो थोड़े से ट्रिकी है एक्चुअली, इसके अंदर कंबाइंड बहुत सारे मैकेनिक्स है। आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे टैप करोगे तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा, राइट पे टैप करोगे तो राइट में मूव होगा, डबल टैप है, फिर बाद में दोनों फिंगर्स को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो एक और मैकेनिक है वहाँ पे। तो ऐसे कंबाइन करके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स है, और इस गेम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है अनलॉक करने के लिए। तो ओवरऑल ये गेम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट गया है। इसके अंदर और भी अपडेट्स आने वाले हैं, ये तो हम लोग का जो था इस एक फर्स्ट सेट ऑफ लेवल था, फर्स्ट वर्ल्ड था, इसके आगे एक डेजर्ट वर्ल्ड और एक और आइस वर्ल्ड भी होने वाला है।
वो सारे लेवल्स हम लोग एज एन अपडेट लॉन्च करेंगे धीरे धीरे। टोटल हम लोग ने अब तक 100 लेवल ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इस गेम का जो डेवलपमेंट है, हम लोग ने इनिशियली ही पहले ही सारे के सारे 100 लेवल्स बना के रखे हैं, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लॉन्च करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि सारे के सारे लेवल्स हम लोग ने दे दिए, फिर बाद में कुछ लेवल्स के अंदर तकलीफ हुई तो फिर हम लोग को वापस वो पर्टिकुलर एक बड़ा सा अपडेट देना पड़े। उससे अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले हम लोग 40 लेवल लॉन्च करेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते 20 लेवल और इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि 40 लेवल लोग बराबर से खेल पा रहे हैं कि नहीं, कहीं पे अटक तो नहीं रहे, अगर किसी लेवल में अटक रहे तो उसको और इजी बनाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग इवेंचुअली इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस गेम को इंस्टेंटली डाउनलोड कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए इस गेम को इम्प्रूव करने में, क्योंकि शरत एंड टीम एंड मेरी भी टीम यही चाहती है कि इस गेम को एक अच्छे लेवल तक हम लोग इम्प्रूव कर पाए। अभी वाला जो वर्जन है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो काफ़ी बेसिक वर्जन है, इसके अंदर हम लोग ने ज़्यादा गेम की इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस नहीं किया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं ऑब्जर्व करना कि ये गेम की जो मैकेनिक्स है वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स हम लोग ने इसके अंदर डाले हैं और कहीं ना कहीं पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि लोग आगे जाके इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो जाए। सो दैट इज़ वाई हम लोग इस गेम को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीमे धीमे स्टडी कर रहे हैं एंड इवेंचुअली स्टडी कर करके हम लोग इसको और अच्छा बनाएंगे। सो हम लोग ने इसके अंदर फ्लरी डाला है, एडमॉप की एड्स डाली है, रिवाइव करने के लिए वीडियो एड्स डाली है, इंटरस्टिशियल एड्स डाली है एंड ट्राई किया है जितने मिनिमम हो सके उतने एड्स रखे, क्योंकि हम लोग गेम का एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं करना चाहते। बट दोस्तों, यही एक रिक्वेस्ट है कि इस गेम को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है। आई डोंट थिंक मैंने पर्सनली ऐसा कोई एक मैकेनिक वाला गेम देखा है जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाओ। मे बी होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे या फिर मैंने ऐसा कुछ गेम खेला नहीं होगा अब तक। बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो ये गेम को डेवलप करने में काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताने जाऊँ, मेरी कंपनी के अंदर अभी तक जितने भी डेवलपर्स आए हैं इन एंड आउट, जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक, सारे के सारे जो भी डेवलपर्स थे वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सभी लोगों ने इस गेम के ऊपर इन सम और दी अदर वे काम किया है। आप इस गेम की क्रेडिट लिस्ट खोल के देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम दिख जाएंगे। सो जिसने भी इस गेम के ऊपर काम किया है, सभी टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। हमारे जो आर्टिस्ट है, वो एक आर्टिस्ट नासिक में बैठे हैं, उन्होंने इस गेम के इनिशियल कैरेक्टर्स बनाए थे। कुछ कैरेक्टर्स हम लोग ने एसेट स्टोर से बाय किए हैं। इसका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा हम लोग के नासिक के आर्टिस्ट ने बनाया। फिर बाद में शरद की टीम ने थोड़े आर्टवर्क बनाए, फिर मैंने इसका बेस प्रोटोटाइप कोड लिखा था, फिर मेरे लीड प्रोग्रामर प्रणव ने इसका थोड़ा और फाउंडेशन इम्प्रूव किया। उज्ज्वल राउत जो है वो हमारा जूनियर प्रोग्रामर, उसने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। एक हम लोग ने नए इंटर्न्स हायर किए थे, तो उसमें से एक इंटर्न है प्रणव चैटर्जी, तो उसने भी इस गेम को काफ़ी अच्छे से संभाला। मेरा एक पुराना कलीग है विवेक भालिया करके, तो उसने भी इस गेम के ऊपर काम किया था। निकिता शर्मा जो हम लोग की आर्टिस्ट है, उसने भी थोड़े आर्ट एसेट्स बनाए थे, इसके जो मेन्यू आइटम्स वगैरह थे वो सब। फिर हम लोग की टीम में से भूमि आनम है, उसने इसकी खोल खोल के टेस्टिंग की थी। सो ये सारे लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया है इस गेम के ऊपर। शरत ने भी काफ़ी सारे आर्ट एसेट्स वगैरह बनाए, ट्यूटोरियल वगैरह बनाया। नरेश ने इस गेम का जो UI एस्पेक्ट था वो भी बनाया, मोशन पोस्टर वगैरह बनाया। काफ़ी सारी मेहनत गई है इस गेम के अंदर एंड आई होप आपको वो सारी मेहनत इस गेम के अंदर दिख रही होगी। ऑब्वियसली पॉलिशिंग के हिसाब से इस गेम को और ज़्यादा पॉलिश करना बाकी है, बट हम लोग ये जो क्रूशियल टाइम है, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला टाइम है जहाँ पे लोग गेम्स ज़्यादा खेलने वाले हैं, वो लूज़ आउट नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हम लोग ने इस गेम को अभी लॉन्च किया, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगे जाके जैसे जैसे लोग इसको डाउनलोड करेंगे उस हिसाब से हम लोग इसको इम्प्रूव करते जाएंगे और अपडेट्स वगैरह लॉन्च करेंगे। सो दोस्तों, ये गेम ओवरऑल डेवलप करने में काफ़ी मज़ा आया एंड आई जेन्युइनली होप कि आपको इस गेम को खेलते हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आए और आप अपने साइड से 40 के 40 लेवल्स कंप्लीट करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने लेवल्स कंप्लीट किए हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं देखता हूँ। मैंने अब तक आई थिंक मैं पर्सनली 16th लेवल तक पहुँचा हूँ।
मुझे भी और बाकी है इसको कंप्लीट करना, बट शरत ने 40 के 40 लेवल्स कंप्लीट किया। शरत इनफैक्ट 40 के आगे भी निकल चुका है, क्योंकि हम लोग ने इसके आगे के लेवल्स भी ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली पता नहीं वो कौन से लेवल पे, बट या वो बहुत आगे पहुंच चुका है। सो शरत को बीट करना आपको बनता है। सो एनीवे दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरी तरफ से आपको यही अर्ज करता हूँ कि इस गेम को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर के ऊपर जाके अपनी रेटिंग दे दीजिए, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको गेम पसंद आए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।